गाइस वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो आज अभी हम लोग आए हुए थे कॉर्निश पे और वहाँ से अभी हमने कुछ शॉपिंग पे, मैं आप लोगों को बाद में अपनी वीडियो पे दिखाती हूँ कि क्या लिया। अभी शॉपिंग हमने कर ली और हमें लगी थी भूख, तो अभी हम लोग जा रहे किसी एक स्पेशल रेस्टोरेंट पर जो कि फजल भाई का, जो आप लोगों को पता है जद्दा के एक काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं और मैं उनकी खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो हम लोग आज वहाँ पर जाके उनका रेस्टोरेंट का खाना भी टेस्ट करेंगे और अभी हम लोग यहाँ से पार्किंग के पैसे पे करेंगे, उसके बाद जाती हूँ। यहाँ पर भी इतनी बड़ी लाइन थी कि अभी हम एग्जिट करते हुए भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है क्योंकि हमें फ्रंट पे नहीं थी मिली, तो पीछे यहाँ पे है पार्किंग लॉट, तो हमें यहाँ पे कर दी और अभी हम लोग चलते हैं अंदर रेस्टोरेंट के। आपकी वजह से मैंने आपकी रेट भी देखी है, आपकी वजह से मैं 700 के मिलते हैं आपको, तो मैंने देखे हैं। अब मेरा बिल्कुल करते हुए सीट पे था। हाँ बहुत अच्छा मिल गया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट मी नो योर रिव्यू अबाउट द फूड। मुझे अल जदीद की मोस्ट फेवरेट, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिशेस थी वो सारी मूवी, जैसे कि हलीम और चपली कबाब। हम लोग लेट हो गए थोड़े आने पे क्योंकि फ्राइडे था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है जिस वजह से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर से यहाँ पे आऊँगी और उन चीज़ों का भी आप लोगों को ज़रूर रिव्यू दूँगी। सो अभी ऑर्डर लिटरली अभी मैंने वीडियो बनाई कि जो उनकी मेन डिशेस थी ख़त्म हो गई। अभी बेटा है, उन्होंने बोला कि फजल भाई ने स्पेशल बोला है कि हमारे टेबल पे हलीम और चपली कबाब मिले, मतलब आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि हम लोग जो खाने हैं वो स्पेशल फजल शरीफ की तरफ से मिल रहा है। दैट्स नाइस। मुझसे आज मैंने स्पेशल शॉपिंग की थी, वो ये थी कि चैन गिफ्ट मेरे मामा को बहुत प्यारी लगी थी और एक्चुअली बहुत प्यारी है। फ्रेश ला के भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़्यादा प्यारी दिखेगी। और ये मामा को लाइक इसके अंदर दूसरी शेड्स आ रही है, मामा को सारे कलर्स बहुत पसंद है। ये जैसे फ्रोजी और पर्पल है, एक्चुअली मामा के फेवरेट कलर्स में से एक, ये मामा के लिए गिफ्ट है। सो अभी हमारा ऑर्डर आ गया कढ़ाई और जदीद की मोस्ट फेवरेट, मतलब सबको यहाँ की बहुत पसंद है वाली हलीम, वो भी आ गई और ये स्पेशल फजल सर के कहने पे आ गया, वरना ये ख़त्म हो गई भी थी। और ये चपली कबाब भी ख़त्म हो गए थे, फजल सर ने हमारे लिए स्पेशल बोल के मंगवाई है। थैंक यू सो मच अगर वो वीडियो देखते हैं। हमारा टिक्का मसाला और चिकन 65 अभी रहता है। स्पेशल चीज़ें वो मैं एंड के लिए रखूँगी, एंड पर उसको मैं रिव्यू करके बताऊँगी। स्टार्ट हम लोग करते हैं कढ़ाई से। एक्चुअली इसकी शक्ल सी लग रही है कि बहुत टेस्टी होने में। अब ये बाइट में ट्राई करने लगी हूँ। बहुत 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 टेस्टी मटन कढ़ाई है। एक्चुअली इसके अंदर ना ज़्यादा मिर्च है ना नमक है, लाइक बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग ट्राई करेंगे अपने स्पेशल चिकन कबाब जो हमारे लिए स्पेशल आए हैं। माशाल्लाह साइज बहुत अच्छा है, फुल अच्छा है, लाइक आप देख सकते हैं कितना मीठी और कितना लाइक जूस आप लोगों को दिख रहा होगा, फुल जूसी है। एक्चुअली इसको हाइप मिली है, बिल्कुल छिलके छिलके बहुत 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 ज़्यादा टेस्ट है। और अब हम लोग ऊपर डालेंगे जिसकी वजह से स्पेशल हलीम बनती है और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मज़ा आता है प्याज और लेमन। अब ये परफेक्ट बाइट बनेगी। फुल गरम है, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। मैंने जद्दा पे ऐसे हलीम लाइक फॉर रियल असल पे इतनी टेस्टी नहीं मैंने कहीं नहीं खाई थी। आप ट्राई करते हो चिकन 65। ये शक्ल से बहुत लाइक सबसे प्यारी मुझे शक्ल से यही लग रही है और फुल गर्म खा रहे हैं इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंडर का बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन फुल सॉफ्ट है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह सारे खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा है, लेकिन मैं जो पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूँगी खाने की वो चिकन कबाब और हलीम जो हमारे लिए स्पेशल आई थी और चीज़ भी इसको खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूँगी। और चिकन 65 भी बहुत 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 टेस्टी था। ये डिशेज़ मेरे टॉप 3 पे आ रही है। और लाइक मस्टर्ड है, इतना प्यारा रेस्टोरेंट है, इंटीरियर इसके इतना प्यारा, उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि उनसे रेस्टोरेंट है ये लबनानीज़ और टर्किश रेस्टोरेंट के मुकाबले पे आ रहे हैं माशाल्लाह। इसका खाना भी बहुत टेस्टी और इसके इंटीरियर के अंदर से बहुत प्यारा है, तो फुल स्टैंडर्ड के ये रेस्टोरेंट है। लोगों ने रेस्टोरेंट से डिनर कर लिया था। उसके बाद आजकल जिद्दा का बहुत अच्छा वेदर हुआ है, जैसे कि बारिश वगैरह हुई थी, उसके बाद से वेदर बहुत प्यारे है। सो अभी हम लोग थोड़ा आउटडोर पर बाहर बैठने आए हैं क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। अभी एंट्रेंस पे अभी यहाँ पे हमें अंकल शेर खड़े हुए दिखे हमें वेलकम करते हुए। वह लगा मेरी आवाज़ अजीब आ रही है, उसको आप लोग इग्नोर करें क्योंकि मेरा गला ख़राब है। मुझे खुद भी पता है कि मेरी आवाज़ अजीब हो रही है। आज वेदर जिद्दा का लाइक बहुत प्यारा है। छोटी सी जगह पे बारिश होती है, उसके बाद बहुत प्यारा वेदर हो जाता है, जिसकी वजह से सारे जिद्दा वाले भी खुश हो जाते हैं जैसे कि हम लोग ही। पहले वहाँ पर लाइंस खड़े हुए थे मेरा वेलकम करने के लिए और अब यहाँ पे फ्लेमिंगोस खड़े हुए मेरा वेलकम करने के लिए। VIP एंट्रेंस हो रही है। एक तो वेदर इतना प्यारा, ऊपर से आकर व्यू इतना प्यारा है, लाइक यहाँ पे आकर तो मज़ा ही आ गया। ऊपर से इतना हमने अच्छा खाना खाया, उसके बाद इतना प्यारा व्यू। सो आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, हम लोग घूमे फिरे, शॉपिंग की। वैसे मैं शॉपिंग करने की थी, वीडियो बना तो नहीं सकी क्योंकि मुझे याद नहीं था कि व्लॉगिंग करनी है। बात मुझे याद आया कि व्लॉगिंग करनी है। सो आज हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वेदर भी बहुत अच्छा है, आप लोगों के साथ वो भी दिखाया है। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मेरा भूला। और मेरे इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर ले क्योंकि वो फॉलो करना तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगी, जब तक आप लोग मेरा इंतज़ार करें। वैसे मैं अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा वीडियोस डालूँ। वैसे अभी मैं वीकली एक डाल रही हूँ, लेकिन फ्रॉम नाउ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वीक पे 1-2 वीडियोस लाजमी आए। सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगी। सो नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़। आज हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी कर लिया। अब हमारे दिन कैंड हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स खींच के। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगी।